हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत ज़्यादा दिन से बहुत ज़्यादा ही बिजी था, इसलिए मैं इस बीच में कुछ वीडियो नहीं बना पाया। तो सोचा अभी मैं बना दूँ, अभी फ्री हो गया हूँ। क्या हो कि मैं थोड़ा पढ़ाई में बिजी हो गया था, तो शायद अब आज से रेगुलर वीडियो बनाऊँगा। वैसे भी मैं इस वीडियो में कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी फेंकने वाला नहीं हूँ, बस ऐसे ही थोड़ा मोड़ा छोटा रिसेंट टॉपिक जो होता है वही सब के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। वही ही मेरा करने का प्लान है अभी। तो आप लोगों को पता होगा कि नोकिया मोबाइल जो है वो पहले जब हम लोग बच्चे थे, लगभग हम लोग मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, जब मैं क्लास 5 में था या क्लास 8 में था, तब नोकिया मोबाइल शुरू शुरू में लॉन्च हुआ था। बहुत ज़्यादा हिट हुआ था, बहुत मज़बूत होता है, बहुत अच्छा चला था। लेकिन बाद में आके लगभग 2010 या 11 के बीच में एंड्रॉयड जब से आया, तब से ये मोबाइल थोड़ा पीछे दबने लगा, सरपास कर गया और मोबाइल सार इसको, क्योंकि ये टाइम के हिसाब से आगे नहीं बढ़ पाया। तो और माइक्रोसॉफ्ट को विंडोज़ को बेच भी दिया था, तो ये मोबाइल पूरा ख़त्म ही हो गया था। लेकिन फिर भी लोगों को विश्वास था कि ये मोबाइल किसी न किसी दिन आएगा, मार्केट में आएगा। अब इतना जल्दी नहीं आया, लेकिन अभी लगभग 2016 से जब ये आने लगा तो उतना हिट नहीं हुआ। थोड़ा थोड़ा मोबाइल बनाया लेकिन उतना लोगों को पसंद नहीं आया। लेकिन एक मोबाइल अभी है नोकिया का सीरीज़ का, जैसे कि पहले तो उसने निकाला नोकिया 5, नोकिया 3, नोकिया 7, नोकिया 6, नोकिया 8 सीरीज को क्या 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 निकाला, वो सब मोबाइल हिट हुआ लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। लेकिन अभी एक मोबाइल उसने निकाला है जिसका नाम है नोकिया X6। आप लोगों को तो पता होगा कितना ट्रेंडिंग टॉपिक है ये पूरा दुनिया में और सबसे ज़्यादा इंडिया में। ये मोबाइल बहुत ही अच्छा है अपने प्राइस के हिसाब से, और पता नहीं क्यों और नोकिया वाले इतना तड़पा रहा है ये इंडियन लोगों के या और पूरी दुनिया वालों को। ये मोबाइल इसने शुरू में चाइना में लॉन्च किया। एक्चुअल रीज़न चाइना में क्यों लॉन्च किया, पहले कोई भी कंपनी पहला मोबाइल चाइना में ही क्यों लॉन्च करता है, इसका बहुत सारा रीज़न, लेकिन मुझे एक दो पता है। वो है कि चाइना में, दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन चाइना में ही है। अगर कोई चीज़ चाइना में हिट हो जाता है तो समझ जाओ उसका पूरा प्रॉफिट, पूरा बेनिफिट निकल जाता है, पूरा दुनिया में हिट हो जाएगा। तो इसीलिए पहले कोई भी मोबाइल ज़्यादा आता तो पहले चाइना में डालता है, जैसे कि नोकिया X6 आया, MI A2 आया। हम लोग सुन रहे हैं MI A2 भी 2-3 महीने से सुन रहे हैं, आएगा आएगा अब आएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया। ऐसे ही नोकिया X6 भी चाइना में 2 महीने पहले ही लॉन्च हो गया, लेकिन अभी तक ग्लोबल वेरियंट जिसको बोलते हैं, या फिर जो मोबाइल पूरे दुनिया में बेच सकते हैं, ऐसा मोबाइल अभी वो नोकिया X6 ने अभी ऐसा रिलीज़ नहीं किया है। तो चाइना में ये मोबाइल इतना ज़्यादा हिट हुआ कि ये मोबाइल वेबसाइट, ऑनलाइन वेबसाइट में रखते ही 10 सेकंड में पूरा खाली हो जाता। सोचिए आप लोग, चाइना में कितना ज़्यादा पॉपुलेशन है, फिर भी 10 सेकंड में ही पूरा आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। तो आज मैं इस मोबाइल के बारे में आप लोगों को थोड़ा स्पेसिफिकेशन बताऊंगा, और इसका रिलीज डेट जो है मैं अभी सुना, थोड़ा पहले से ही शंका था मुझे, लेकिन अभी मैं सुना तो कंफर्म हो गया हूँ मैं, तो वही मैं बताने जा रहा हूँ। इंडिया में कब लॉन्च होगा या पूरा वर्ल्ड में ग्लोबल वेरिएंट कब आएगा इसका, उसके साथ साथ थोड़ा स्पेसिफिकेशन भी आप लोगों को बता दूंगा मैं। नोकिया का जो HMD वेबसाइट होता है जहाँ पे मोबाइल कौन कौन सा कब रिलीज होगा उसमें रखते हैं मोबाइल का नाम, तो उसमें इसको देखा गया है। उसके बाद में इंडिया का वेबसाइट जो होता है नोकिया का, उसमें भी इसको थोड़ी देर के लिए देखा गया, उसके बाद में इसको रिमूव कर दिया। पता नहीं, शायद ये लोग कुछ टेस्ट कर रहे होंगे नोकिया का, इसीलिए रख के तुरंत डिलीट कर दिया उसको। तो इन सब से पता होता है कि ये मोबाइल अब इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में आने ही वाला है। ये लोग तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कर चुके हैं, ठीक है। तो ये मोबाइल आएगा तो पहले आएगा, जैसे कि अभी चाइना में रिलीज हुआ था, बाद में रसिया में रिलीज हुआ, अगर अभी फिर से आएगा ये मोबाइल तो पहले ताइवान में रिलीज होगा ये मोबाइल, ठीक है, पहले ताइवान में रिलीज होगा, उसके बाद में इंडिया में आएगा। तो लगभग लगभग ये मोबाइल जुलाई 18 से लेके जुलाई 20 तक रिलीज हो सकता है। लगभग 99% चांस यही है कि जुलाई 18 से लेके जुलाई 20 के बीच में ये लॉन्च होगा ग्लोबल वेरिएंट। तो अब शायद हमारा इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा दोस्तों, तो आप लोग रेडी रहिएगा उस टाइम पे ख़रीदने के लिए, पैसा वैसा जमा करके, ठीक है, आते ही ख़रीद लेना है। मैं
कहने को तो मैं भी उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि इतना बढ़िया मोबाइल है, इतना अच्छा मोबाइल है। देखिए इसमें सब कुछ क्या 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 सिस्टम दिया है, जो और सब मोबाइल दे रहे हैं, और सब मोबाइल में बहुत महंगे दाम में, जैसे कि 35,000, 30,000, 40,000 दाम में ये सब फंक्शंस और फीचर्स दे रहे हैं। ये लगभग लगभग 18 या 20 हज़ार के बीच में ही दे रहा है, लॉन्च होगा। चाइना में इसका जो प्राइस है वो 14,000 से लेकर 17,000 तक है, तो इंडिया में थोड़ा प्राइस बढ़ सकता है, तो 20,000 या 22,000 जितना हो सकता है, लेकिन फिर भी इस प्राइस रेंज में इतना अच्छा मोबाइल, इतना अच्छा फीचर्स अगर किसी को मिलेगा तो कोई भी नहीं छोड़ेगा। वैसे भी आँख बंद करके कोई भी नोकिया का विश्वास कर ही सकते हैं कि नोकिया इतना अच्छा मोबाइल था पहले और अभी भी है, तो सब लोग खरीदेंगे, शायद हिट होगा ही, और मैं भी खरीदूंगा, आप लोग भी खरीदिएगा, देखिएगा, रिव्यू पढ़िएगा, ठीक है, उसके बाद खरीदिएगा। तो चलिए मैं इसके बारे में थोड़ा स्पेसिफिकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या। तो आप लोग देख सकते हैं कि यह है नोकिया X6, इसका रिलीज डेट 2018 में मई को ही हो गया था चाइना में, और ये लगभग 8 mm थिक है, बहुत पतला है, बहुत अच्छा होगा। एंड्रॉयड 8.1 स्टॉक वर्जन एंड्रॉयड का, एंड्रॉयड वन ये मोबाइल है, मतलब ये गूगल से पार्टनरशिप किया है इसने, नोकिया ने, तुरंत अपडेट्स और मोबाइल में आने से पहले इसमें पहले ही अपडेट आ जाएगा। 5.8 इंच का है, फुल HD है, पीछे 6 MP कैमरा, आगे भी, और 6 GB रैम के साथ आएगा, 4 GB रैम के साथ भी आएगा। इसका बैटरी 3060 mAh का है, आप इधर देख सकते हैं, 4G है। उसके बाद में फ्रंट रियर ग्लास एल्युमिनियम, दोनों साइड में एल्युमिनियम ग्लास ग्लास है इसका। उसके बाद में हाइब्रिड सिम स्लॉट है, नैनो सिम है, और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 है इसका, मल्टी टच है, एंड्रॉयड स्नैपड्रैगन 636, जो कि इस प्राइस रेंज में बहुत अच्छा है और बहुत फास्ट होगा ये, ठीक है, और जिसका इसका GPU है एड्रेनो 509, गेमिंग के लिए बहुत अच्छा होगा। हम लोग इसमें SD कार्ड, मेमोरी कार्ड जो हम लोग बोलते हैं, वो अलग से अगर लगाएंगे तो 256 GB तक ये चलेगा, और सिम स्लॉट 2 में रहेगा ये। तो आप इधर देख सकते हैं, 64 GB इंटरनल होगा तो 4 GB रैम होगा, 6 GB रैम होगा, 32 GB रोम होगा, तो ये सब आएगा ऐसे ही। आप देख सकते हैं ड्यूअल कैमरा 60 MP है, अपर्चर 2.01, ये सब। और इसका जो कैमरा डिज़ाइन किया वो GS ने किया, जो कि बहुत अच्छा कैमरा डिज़ाइन किया, बहुत अच्छा लेंस डिज़ाइन करता है, ड्यूअल LED फ्लैश है इसका, तो कैमरा तो बिल्कुल ही बहुत अच्छा होगा। 3.5 mm जैक भी है इसमें, ठीक है, ब्लूटूथ 5.0, इसका मतलब इस मोबाइल में जैसे कि पहले कि हम मोबाइल में एक ब्लूटूथ से मोबाइल में ऑन करते थे तो सिर्फ एक ही स्पीकर में या एक ही मोबाइल में कनेक्ट कर सकते, लेकिन ये 5.0 है तो हम इसमें लगभग 5 डिवाइस में कनेक्ट कर सकते, एक मोबाइल से सेम सॉन्ग 5 ब्लूटूथ स्पीकर में हम लोग बजा सकते हैं, ऐसा ही है। इसलिए एक फाइव अपडेटेड वर्जन 5.0, USB-C है, 2.0 है रिवर्सिबल कनेक्टर, और OTG सपोर्ट भी है इसमें। उसके बाद में फास्ट चार्ज होगा ये, इधर लिखा है क्विक चार्ज 3.0, फास्ट चार्जिंग होगा ये, ठीक है। अभी ये मोबाइल कहीं लॉन्च नहीं, मतलब चाइना और रसिया के बाद कहीं पे लॉन्च नहीं हुआ, लगभग इसका प्राइस 252 यूरो इसमें दिखाया है, इसका मतलब 19,990 रुपया जितना होगा, तो हम लोग मान सकते हैं कि 20 या 22 हज़ार जितना होगा, तो ये बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छा होगा ये, ठीक है। अगर इंडिया में आ गया तो मुझे तो लग रहा है बहुत ही हिट होने वाला है ये मोबाइल, भाई सब लोग खरीदेंगे। देखिए आप कितना अच्छा मॉडल इसका है, कितना अच्छा डिजाइनिंग है, इधर नॉच भी दिया है इसमें। अच्छा बात यह है कि हम लोग ये नॉच जो है, नॉच को हम लोग हाइड भी कर सकते हैं, अभी जो सॉफ्टवेयर अपडेट आया उसमें हमको अगर नॉच नहीं चाहिए तो हम ये हाइड कर सकते हैं, इधर से इधर तक पूरा ये बैटरी हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, ये पूरा ऐसे स्क्रीन हो जाएगा नॉर्मल जो हमारा होता है, ऐसे नॉर्मल बोले तो जैसे ऐसे, इधर MIA2 में देखिए इधर नॉच नहीं है, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं उस मोबाइल में, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मैंने सब कुछ बता दिया है क्या क्या होने वाला, कब रिलीज होने वाला, तो आप लोग बस खुश रहिए, खरीदिए, ठीक है। हैव अ नाइस डे।